Hey guys, welcome back to the channel. आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ड्यूक 125 से क्यों अच्छी है यमहा MT-15 2023 मॉडल। अगर आप सोच रहे हैं कि ड्यूक 125 खरीदना है तो वीड़ियो को पूरा देखिएगा, तब आप समझ जाएंगे कि ड्यूक 125 से अच्छी है आप MT-15 ले लो। सबसे पहले बात करते हैं यार ड्यूक 125 के बारे में। तो ड्यूक 125 में 2023 में कुछ भी अपडेट नहीं किया गया है, मतलब जो 2023 में जो आपको 2022 21 और 22 में मिल रहा था वही मॉडल है, बस उसमें OBD2 सेंसर डाल दिया गया है। अदरवाइज उसमें कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं किया गया है ताकि आप उसको 2023 मॉडल अपडेटेड कुछ बता सको। और अगर हम बात करें यमहा MT-15 में बहुत कुछ अपडेट कर दिया गया है, तो MT-15 एक फुल्ली अपडेटेड और फुल्ली लोडेड बाइक बोल सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों का प्राइस में, 1,66,000 एक शोरूम से स्टार्ट हो जाता है, तो वहीं पे ड्यूक 125 1,77,000 एक शोरूम कॉस्ट करता है। मुझे कहीं से भी सेंसेबल नहीं लगता है कि आप ड्यूक 125 जाके खरीदो, जबकि यमहा MT-15 का टॉप एंड अच्छा है, इनिशियल अच्छा है, माइलेज में भी अच्छा है और यमहा का एक रिलायबल इंजन मिल रहा है, जो कि मतलब भाई बहुत ही लोग ट्रस्ट करते हैं और हाँ यमहा एक रिलायबल इंजन प्रोवाइड करता है। जबकि आप अगर ड्यूक 125 के बारे में देखो, 1,77,000 एक शोरूम कॉस्ट करता है, जिसमें आपको 124cc का इंजन मिलेगा। KTM का बाइक का क्या ही बताएं, KTM का सर्विस के बारे में तो आपको पता ही है, हो सकता है किसी किसी स्टेट में अच्छा हो, बट मेरे यहाँ पर तो अच्छा नहीं है तो मैं अच्छा नहीं बोलूँगा। और ऐसा बहुत सारा रीज़न है, जैसे कि अगर आप यमहा MT-15 लेते हो तो उसका माइलेज 50 तक दिखा देता है, जबकि ड्यूक 125 में ऐसा कुछ नहीं है। यमहा का मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, और एक तरफ अगर KTM का देखा जाए तो KTM का मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। आप लोग कमेंट करना यार, ड्यूक 125 लेना बेस्ट रहेगा या फिर यमहा MT-15 लेना बेस्ट रहेगा, और आप जरूर से कमेंट करना आपका फेवरेट बाइक कौन सा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिससे आप कंफर्म हो जाओगे कि आपको यमहा MT-15 क्यों लेना चाहिए। देखिए यमहा MT-15 अपना सेगमेंट में 150cc का सेगमेंट में ज़रूर आती है, लेकिन जब आप उसको मतलब ड्रैग रेस वगैरह करते हो अगर ड्यूक 200 के साथ और NS 200 के साथ, तो बहुत सारा बाइक के साथ ये ड्रैग रेस पे भी मतलब अच्छी परफॉर्मेंस करती है। अगर आप NS के साथ अगर इसको ड्रैग रेस करते हो तो टॉप एंड में NS के साथ भी अच्छी टक्कर दे देती है। ड्यूक 200 के तो बात ही छोड़ दीजिए, ड्यूक 200 में आपको 135-140 तक में जाके लिमिटर लग जाता है, बट यमहा MT-15 में आपको 150 तक का मतलब आप इजीली टॉप स्पीड अचीव कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो यमहा MT-15 बेस्ट है अगर आप लेना चाहते हो ड्यूक 125। और आप बताना यार आपका फेवरेट बाइक कौन सा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।